कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोर है, अब कुछ करिए। आज हमारी LCM HCF की क्लास, जिसमें आज हम कुछ थोड़ा सा एडवांस जो उसके क्वेश्चंस है वो करेंगे और कुछ जो हमारे बाकी हुए कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स SSC ने जो इस बार का मेंस का पेपर दिया है, तो बच्चों को लग रहा है कि बहुत टफ है। अगर वो टफ दे रहे, वो अपना लेवल बढ़ा रहे, तो कम हम भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को उसी लेवल से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है SSC ने, वो पूछा है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर बताना है, जो कि 12, 15, 18 एंड 27 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। नंबर कितने डिजिट का चाहिए? 5 डिजिट का। किससे किससे डिवाइड हो जाए? 12, 15, 18 एंड 27 से। ठीक है फ्रेंड्स, उसने ऑप्शन क्या दिए थे आपको? 9000। दूसरा ऑप्शन दिया था उसने, सॉरी ये 5×9। तीसरा ऑप्शन उसने दिया था 99010। और फोर्थ ऑप्शन उसने जो दिया था वो दिया था 999000। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना जरा ऑप्शन वाला तरीका अपनाते जो हमने किया था, कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो 3 और 9 से पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये नंबर तो 3 और 9 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है? ये, यानी ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब 5 भी आ रहा है, अब बताओ ये वाला 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन, यहाँ पे इसके फैक्टर क्या होंगे? 3, 4, यहाँ 5, 3, यहाँ 3, 6, यहाँ 9, 3। अब हम देखते हैं कि सारे फैक्टर अगर आ रहे हैं इसमें, देखो 4 यानी 2 लास्ट में 0 है, कट जाएगा 4 से भी, 4 भी आ गया, 5 से भी आ रहा है, 6 आ जाएगा जब 2, 3 से, यानी इन दोनों में से हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसने पूछा था 5 डिजिट के सबसे बड़ा वाला नंबर, तो सबसे बड़ा वाला नंबर यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 999000। अब हम करेंगे जो अपना हमारा बेसिक है, उससे कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे, कितना आ जाएगा? 27 तो आ ही गया सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे से हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स्ट्रा? 5। और यहाँ से क्या मिलेगा? एक ही बार 2 आया है, 2 बार 2 है, ठीक है। तो 27 × 54 गुणे 5×2 = 10, ये हो गया 540 LCM। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा 540 हो गया LCM, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 5×10, तो इसको हम 540 से डिवाइड करेंगे, जितना भी हमारा ज्यादा होगा वो कम कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 540 से जरा डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा? 1×540, ये कितना हो जाएगा? 954। फिर हमने 9 लिया, कितनी बार जाएगा? शायद 8 times जाएगा, 8×0, 8×4 = 32, 3×5, 8×5 = 43, 43, 9, 7, 2, 2, 7, 9, फिर से एक हमको 9 मिल गया, कितनी बार जाएगा? आई थिंक 5 times जाना चाहिए, 5×0, 5×4 = 20, 2×5 = 25 और 33, कितना रिमाइंडर बचा? 99। अब हम क्या करेंगे, जो 555 है, हम 999 है, उसमें 99 माइनस कर देंगे, 0, 0, 9, 9, 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया क्वेश्चन सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो SSC ना, मतलब कभी भी अगर देखना LCM HCF के मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से हो ही जाते हैं, तो ट्राई करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑप्शन से करने की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी है। इन्होंने कुछ पूछा है कि अगर हमारा LCM जो है SCF का 12 गुना है, यानी 12 times है SCF का LCM, और SCF और LCM का सम दिया है 403, और एक नंबर उन्होंने दे दिया है 93, फाइंड आउट करना है दूसरा नंबर। करते हैं LCM और SCF, ये x हो गया, ये इसका 12 times है, 12x हो गया, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 403। एक ये हो गया 13x, 403, 13×3 = 39, 1 = 31, तो ये हो गया 31 और ये हो जाएगा
ट्वेल्व वन जा ये टू वन ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स थर्टी सेवन यानी थ्री सेवेंटी टू और थर्टी वन हो गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्या कह रहा है उसको फाइंड आउट क्या करना है, हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों नंबर्स का मल्टीपल, तो 372 इंटू 31 पहला वाला एक नंबर क्या दिया हुआ है 93 इंटू वाई ये चला जाएगा फोर टाइम्स, ये हो जाएगा फोर वन का फोर फोर थ्री का ट्वेल्व यानी वाई उसका टू आ गया 124, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बस लैंग्वेज समझो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा था कि अगर 13 का फाइंड आउट ना 13 का मल्टीपल जिसको हम डिवाइड करें 4 5 6 एंड 8 से, लिख लेती हूं मैं 4 5 6 7 एंड 8 13 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर, 13 का वो मल्टीपल फाइंड आउट करना है जिसे 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। ये क्वेश्चन हमने इस टाइप से कुछ किया है ना, ऑप्शन लिख लेते हैं 2520, 2522, 840, 842। अब आप देखिए क्या जरा ये देख रहा 13 का मल्टीपल है जो 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे दो रिमाइंडर दे। अब बताओ अच्छा ये 5 से तो ये फुली डिविजिबल है क्या, रिमाइंडर 2 देगा नहीं, कैंसिल, ये भी सेम वही 840 तो 5 से डिविजिबल है, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 नहीं आए। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन 2522 और 842। अब अगर हम इसको 20 करें और इसको 40 करें जो दो रिमाइंडर बच रहा है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 5 2 7 2 9 8 4 12 मतलब दोनों ही 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जरा 13 से चेक करना 13 वन जा 13 12 122 13 में 5 12 13 चक्कू 52 ये 13 से तो डिविजिबल है, ये है क्या 13 एकम 13 6 जा 78 और ये बच्चा 662 यानी ये नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2522। इसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि इसमें 2 सेकंड एक 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और अब आपको बेसिक से करना होता है तो कैसे करते आप, 4 5 6 7 8 का एलसीएम लिया, सबसे पहले तो 8 आ गया इनटू 7 2 तो आ चुका है 3 और आएगा और 5 आ गया 4 तो आ ही गया इसमें, ये हो गया 5 3 15 8 120 ये 7 यानी 840। अब हमारा नंबर जो है वो 840 के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13 क्वेश्चन कराया ना, तो ये हो जाएगा ये देखना जरा कितना ज्यादा 13 6 जा 78 6 13 4 जा 52 यानी 8 के बच रहा है, 8 के प्लस 2 अब इसको 13 से डिवाइड करना है, 1 रखा तो 10 हो गया नहीं, 2 रखा नहीं हुआ ठीक, 3 रखा 24 26 हो गया यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 3, आप जरा 3 से मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 1 3 8 जा 24 और 1 2520 प्लस 2 2522 यही आंसर था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो कुछ इस तरीके से था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से था, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन उसने थोड़ा सा बस ये घुमा दिया। उसने कहा कि उसके पास 3 रॉड्स हैं, ठीक है 10 15 एंड 20 मीटर की है, 10 15 20 मीटर की रॉड है, उसने कहा इनसे कितनी मतलब कितना मतलब बड़े से बड़ी लंबाई की वो नंबर काटी जा सकती है कि ये जो है बराबर में डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी लकड़ी बचनी नहीं चाहिए। अब बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है, आप क्या निकालोगे इसका एचसीएफ यानी वो बड़े से बड़े टुकड़े की माप निकालनी है जो इन तीनों में से बराबर निकाल दे कुछ भी ना बचे, तो बराबर निकालने के लिए क्या होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ही इन तीनों को वो बराबर से डिवाइड करेगा। तो अब 10 15 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। अब उसने पूछा था टुकड़ों का नंबर, ये भी पूछा था कितनी लंबाई के टुकड़े कटेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितनी लंबाई वाला टुकड़ा आएगा तो 5 मीटर की लंबाई वाला, लेकिन उसने पूछा था कि ऐसे कितने टुकड़े होंगे, तो आप क्या करोगे नंबर 5 दूनी 10 इससे कितने टुकड़े मिलेंगे 3
इस वाली रॉड से कितने टुकड़े मिलेंगे? 4, 3, 2, 5, 6, 9, टोटल नंबर कितने हो गए? 9, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो इस तरीके से था, क्वेश्चन जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेगा। उसने कहा 391 बॉयज है क्लास में, मतलब टोटल बॉयज की संख्या है 391, गर्ल्स है क्लास में 323। गर्ल्स कितनी क्लास में? तो कह रहा था फाइंड आउट कीजिए कि मैक्सिमम नंबर्स कि बॉयज इक्वल टू गर्ल्स इक्वल टू क्लासेस, मतलब जितने क्लास में बॉयज हो उतनी ही गर्ल क्लास में गर्ल्स हो और उतने ही नंबर ऑफ क्लासेस बने। वेरी सिंपल, हम क्या सिंपल सी फाउंड करेंगे, एचसीएफ दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर की लैंग्वेज। ठीक, हम करेंगे कैसे, 323, 390, 1 टाइम गया, 8 में से 2 गया, 68, 323, ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स ना, 4 टाइम्स, 4 8 जा 32, 2 3 4 6 जा 24, 3 27, 1 51, 68, 1 टाइम 51, ये बच्चा 17, 51, यानी जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी एक क्लास में 17 बॉयज इक्वल टू 17 गर्ल्स होंगी, और ऐसी ऐसी क्लास जिसमें 17 बॉयज 17 गर्ल्स होंगी ऐसी क्लासेस कितनी होंगी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सस्सी ने पूछा था कि फाइंड आउट द नियरेस्ट नंबर टू 10,000 विच इज डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कह रहा था कि 10,000 के नियरेस्ट की नंबर सबसे फाउंड आउट करने चाहिए, जिसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा है 0। ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहला तो 10,000 ही था, दूसरा था हमारा 9,244, तीसरा था हमारा 10,080 और फोर्थ हमारा ऑप्शन दिया था, हमारा ऑप्शन दिया था 9,666। तो फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं, हम अपना तरीका ऑप्शन वाला चेक करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से डिविजिबल है नहीं, 9, 2, 11, 4, 15, 8, 1, 9 ये है, 5 से ये नहीं है, अब बचा 9,240, 1,080, अब 4, 5, 8 तक चुप चेक कर लिया, 8 से भी हो गया ये तीनों, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है ये, तो अब बचा 7, जरा 7 से चेक करना ज्यादा बड़ी नंबर नहीं है, 7 से आराम से चेक कर लेंगे, 7 × 7 = 30, 7 × 28 = 28, यानी ये तो 7 से डिविजिबल है ये, 7 × 1 = 7, 2 × 22 = 21, 7 × 21 = 21, ये जब दोनों ही नंबर हमारे 7 से डिविजिबल है, अब बताओ 10,000 के नियरेस्ट ये आएगा या ये आएगा, इसमें कितने का डिफरेंस है, 6, 60 का ना, 760 का, अगर इसमें 760 का और इसमें तो 80 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,080। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा था वो ये था रनर पर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बस ये था कि उसने लैंग्वेज चेंज की थी, तो उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि 4 रनर्स हैं, वो अपनी एक 4 रनर्स है जिनको कि दौड़ने के लिए दिया जाता है जैसे एक राउंड में, अब वो कह रहे कि पहला वाला जो है वो ए जो है वो 200 सेकंड में अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेता है, बी जो है 300 सेकंड में कंप्लीट करता है, कुछ इस तरीके से था कि 4 रनर्स है वो एक सर्कुलर पे दौड़ना शुरू करते हैं, तो जो ए है वो लेता है 200 सेकंड का टाइम, बी लेता है 300 सेकंड का टाइम उसको कंप्लीट करने में जहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, सी उसको लेता है 360 सेकंड और डी लेता है 450 सेकंड। क्वेश्चन पूछा था कि ये चारों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद में कब फिर एक साथ मिलेंगे कब मिलेंगे उनके एलसीएम पे मिलेंगे, तो इनका एलसीएम कैसे हो जाएगा, 2 × 100 ये होगा, 3 × 100 ये हो गया,
सिक्स इंटू सिक्स इंटू टेन ये हो गया, ये हो गया नाइन इंटू फाइव इंटू टेन। अब ये देखिए हंड्रेड तो आ ही गया, यहां से हंड्रेड ले लिया कितना बचा टू, यहां से थ्री बचा, हंड्रेड लिया था तो टेन तो ये हो गया इसका टू भी, टू और थ्री ये सिक्स तो आ गया। अभी सिक्स का टू तो यहाँ आ गया, थ्री और आना है, नौ का नौ तो आ गया, दस भी आ गया, पांच बचा है तो कितना हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स थ्री जा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ पांच भी तो आ ही गया ना इसमें, ये पांच भी तो आ गया ना हंड्रेड में, यहाँ पे टेन से तो दस दूनी बीस तिया तीस तिया नौ दूनी अठारह, अठारह सो सेकेंड्स हो गया। तो ये अठारह सो सेकेंड्स के बाद में फिर से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस थे जो एसएससी बार बार पूछ रही है, घुमा के कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करती है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, कम से कम मिनिमम 50 to 60 लाइक्स तो दीजिए अभी स्टार्टिंग में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, दिस इज योर चैनल फॉर यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।